नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। अजय सिंह, रामनिवास रावत, राजेंद्र सिंह, उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह भी पहुंच चुके हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। छिंदवाड़ा में होने के कारण कमलनाथ नहीं होंगे बैठक में शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहले फैसले जिसमें लाउडस्पीकर पर बैन और खुले में मांस बिक्री प्रतिबंध की बात कही गई है, उस पर पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि ये उनका फैसला नहीं, ये आरएसएस का फैसला है। सबसे पहले तो महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से जो शुल्क लिया जाता है वो नहीं लिया जाना चाहिए। जयवर्धन सिंह बोले कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, जो बेरोजगार युवा है उनका रोजगार दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं अजय सिंह ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव होने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जब सारी जनता का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव जीता हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं। सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया, विश्वास जताया हाईकमान के लिए और हाईकमान विधायक दल का नेता चुना। किसी के नाम पे चर्चा नहीं गई, सब समिति से एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया गया। थैंक यू। साथ में और एक जो निर्णय लिया गया है, सभी विधायकों का ये मन था कि एक सूत्र बनाकर जो भी हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ हम ताकत से खड़े हैं, ताकि जो हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ में हम खड़े भी हैं और उसके नेतृत्व में काम करने के लिए भी पूरी ताकत से तैयार हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सवाल नहीं है कि कौन बनेगा, सवाल यह है कि हम कितने दमदारी से एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकते हैं। और जनता ने जो चुनकर हम विधायकों को भेजा है और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है, तो हम लोग पूरी दमदारी से एकजुट होकर विधानसभा में आवाज भी उठाएंगे। निर्णय विवाद कैसे होगा, जब सबने एक सूत्र में ये बोला है कि हम लोग ने हाईकमान पर सौंपा है, तो इसमें विवाद कहाँ दिखता है। जब बीजेपी अगर मुख्यमंत्री चुनने में देर करती है तब तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, हमने नेता प्रतिपक्ष की बात करी तो उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केसरिया न्यूज।